गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं विपुल आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपका वेबसाइट सलाहकार आज आपके सामने लेकर आया हूं लेक्चर 3, जिसमें हम लोग बताएंगे इनकम टैक्स लॉ में को इंटरप्रेट करने के लिए जो कोर जो होती है किन सिग्निफिकेंस रूल्स को अप्लाई करती है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने जो पहला वीडियो जो बनाया था उसमें हम लोगों ने बताया था कि जो इनकम टैक्स के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली हम लॉ को कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि एक्सटर्नल एड और इंटरनल एड की सहायता से कैसे लॉ को अंडरस्टैंड करते हैं। आज हम वो देखेंगे कि जो कोर्ट जो होती है, जो अगर कोई उनके सामने कोई अगर मामला जाता है टैक्स के रिगार्डिंग, तो उसको कैसे वो इंटरप्रिटेट करती है, कैसे उसको रिजोल्व करती है, कैसे रिमेडी प्रोवाइड करती है, तो इस सिग्निफिकेंट रूल्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने कुछ रूल्स का नाम लिख रखा है, जो जनरली जो कोर्ट जो होती है जो ये रूल्स को अप्लाई करती है लॉ को, जो टैक्स फिस्कल लॉ से के जो डिस्प्यूट होते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसके रेमेडी प्रोवाइड करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट रूल्स में रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन, मिसचीफ रूल, गोल्डन रूल, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ जुरिज्म जेनेरिस, प्रिंसिपल ऑफ नो साइस्टोर ए सोशियस और प्रिंसिपल ऑफ स्टे डिसीसिस। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है जो एक दिन में इवॉल्व नहीं होता, कोई भी रूल जो है एक दिन में इवॉल्व नहीं होता, ये लंबे समय से प्रैक्टिस करते करते वो एक प्रिंसिपल के रूप में आता है। तो ये जो कोर्ट जो है ये इन रूल्स का सहारा लेके इनको कंसीडर करते हुए ये इसको इंटरप्रेट करती है। देखिए ये रूल्स जो है उनको हेल्प करती है कैसे लॉ को इंटरप्रेट करना है। क्यों जरूरत पड़ती है रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन? क्योंकि इनको लॉ को कैसे इंटरप्रिटेज करती है इसके लिए उसको हेल्प करता है और बताती है कि क्या ऑब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है किसी लॉ मेकर का, जो लॉ बनाया गया उसमें लॉ मेकर का क्या ऑब्जेक्ट है इसको असर्टेन करती है। देखिए ये रूल्स जो है ना स्टैटिक नहीं होता, ये इवॉल्व होते रहता है टाइम के साथ, और कोई एक रूल्स भी नहीं है, मोर देन वन रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन जो आप डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट रूल्स हम अप्लाई करते हैं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम लोग जो सिचुएशन देख रहे हैं तो कैसे फैक्ट से फैक्ट से और सिचुएशन से सिचुएशन ये डिफर करती है। तो आइए हम वो शुरुआत करते हैं रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन यूज बाय कोर्ट्स। फर्स्ट रूल है आपका रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन, लिटररी आप कैसे इंटरप्रिटेट करते हो रूल। बड़ा अच्छा एक इज ऑल डॉक्ट्रिन्स है, कहते हैं कि जज जो होते हैं, जजेस डू नॉट लेजिस्लेट, दे ओनली इंटरप्रिटेट लॉ। वो लेजिस्लेट नहीं करते, वो लॉ को इंटरप्रिटेट करते हैं। तो इस कहने का मतलब जो इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेशन जो है वो उसके जो लॉ में लेजिस्लेशन में जो वर्ड्स यूज है उसके उसके अनुसार ही उसको निकालना चाहिए उसका इंटेंशन। ऐसा नहीं कि लॉ में जो वर्ड्स है उसके बिहाइंड हम जाके इंटेंशन निकालें। तो रूल्स ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन कहता है जो वर्ड्स यूज है उसी के अनुसार आप उसको इंटरप्रिटेट करें लॉ को। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि उस लॉ में क्या कहा गया है और क्या नहीं कहा गया है, व्हाट इज सेड इन द लॉ, व्हाट इज नॉट सेड इन द लॉ, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कोई चीज नहीं कहा गया तो हमने मन से उसमें एडिशन नहीं करेंगे, ठीक है, और जो कहा गया है उसी को हम देखेंगे। तो नथिंग शुड बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड, फर्दर हम कुछ इसमें नया कुछ एड नहीं करेंगे और कुछ नया इसमें हम इसको सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे। और जहां भी लॉज में अनअम्बिगुअस है, कोई अम्बिग्युटी नहीं है और लेजिस्लेटिव का इंटेंशन है जो बिल्कुल जाकर क्लियर है, तो उस केस में हम रूल्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूट हम नीड नॉट टू बी कॉल्ड, हम इस पर लिटरल इंटरप्रिटेशन है उसके अनुसार ही लॉ को इंटरप्रिटेट करेंगे। आइए हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 57 डिडक्शन, जहां पर ये बोलता है कि इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस शैल बी कंप्यूटेड आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग डिडक्शन। तो इस में आप जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें इसके जो पार्ट आपका क्लॉज 3 है उसमें कहता है कि कोई एनी अदर एक्सपेंडिचर, अगर वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, लेड आउट और एक्सपेंडेड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग और अर्निंग सच इनकम, देन दिस डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो जैसा कि आप सेक्शन देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो सेक्शन में आपका क्लियरली ये मेंशन है। तो इसको हम समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था सीआईटी वर्सेस राजेंद्र प्रसाद मुडी 1978 में। तो उन्होंने इसका कहा था, इसके बारे में कहा था कि जो प्लेन नेचुरल कंस्ट्रक्शन है लैंग्वेज का वो इसको इसमें यूज करना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ द कि इसके केस को कंक्लूजन करने में विद इन दिस सेक्शन इट इज नॉट नेसेसरी दैट एनी इनकम शुड इन फैक्ट have been earned as a result of the expenditure. जरूरी नहीं है कि expenditure जो हम earn किए हैं, expenditure जो हमने spend किया है, उससे income earn होना चाहिए। यहाँ पर language में कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो section का जो purpose है, making or earning income is not necessary। ठीक है कि earn or earn या कोई income हम कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है कि पर्पस होना चाहिए आपका, पर्पस ऑफ मेकिंग और अर्निंग इनकम। इवन इनकम आपका जनरेट नहीं हो रहा है तो भी आपको ये डिडक्शन मिलेगा, आप लॉस में क्लेम करेंगे। तो सेक्शन डज नॉट रिक्वायर दैट दिस पर्पस मस्ट बी फुलफिल इन ऑर्डर टू क्वालिफाई द एक्सपेंडिचर फॉर डिडक्शन। इट डज नॉट से दैट द एक्सपेंडिचर शैल बी डिडक्टेबल ओनली इफ एनी इनकम इज मेड और अर्न। इस केस में क्या हुआ था कि असेसी ने कुछ मनी बोरो की थी फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन शेयर्स, और उसके उसमें जो इंटरेस्ट था उसको उसने पे किया था ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड रिलेवेंट टू द सस्पेंड ईयर। लेकिन हुआ क्या कि बट डिड नॉट रिसीव एनी डिविडेंड, उस शेयर जो इन्वेस्टमेंट किया था उस पर कोई डिविडेंड उसको आया नहीं था, तो इसके कारण का कोई इनकम जनरेट नहीं हुआ था। तो जब बात कोर्ट में पहुंची, सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसाइड किया कि देखिए यहाँ पर जो बात लिखी गई है कि जो एक्सपेंडिचर जो है इसके रिगार्डिंग स्पेंडेड होली ने एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अर्निंग सच इनकम, फॉर द पर्पस ऑफ सच मेकिंग सच इनकम। पर्पस तो इसका इनकम जनरेट करने का था, लेकिन यहाँ इनकम जनरेट नहीं हुआ तो उससे ये सेक्शन डिफिट नहीं होता। और कहते हैं कि अगर पर्पस उसी पर्पस के लिए स्पेंड किया गया तो आपको एक्सपेंडिचर है वो अलाउ होंगे। तो ये हमने लिटरल इंटरप्रिटेशन के अनुसार इस केस को समझा। अब आइए हम लोग देखते हैं मिसचीफ रूल। जैसा कि आप जो मिसचीफ रूल्स है इसको कहते हैं परपोसिव कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, हिडन रूल्स भी कहते हैं। ये 16th सेंचुरी में यूनाइटेड किंगडम में ऑरिजिनेट हुआ था, वहां से डेवलप हुआ था। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जैसे कोई लॉ में हम कोई रिमेडी प्रोवाइड करना है होता है तो हम देखते हैं कि पोजीशन क्या था, अगर कोई अमेंडमेंट हुआ या इनेक्टमेंट हुआ उसमें पोजीशन क्या था, उसके पहले का पोजीशन क्या था, कि उसको एग्जामिन करते हुए क्या उसमें डिफिशेंसी थी, क्या मिसचीफ थी जिसको देखते हुए उसको रिमेडी को प्रोवाइड किया गया था, क्या रैशनल है उसका रिमेडी का, तो इसके बेसिस पर हम रिमेडी निकालते हैं। तो इसमें हम डिफरेंट पॉइंट है जो हम उसको ध्यान देंगे मिसचीफ रूल में। तो सबसे पहले हम तो ये देखेंगे कि जो लॉ था बिफोर द प्रोविजन वाज इंट्रोड्यूस और अमेंडेड के पहले, कोई भी अगर प्रोविजन इंट्रोड्यूस हुआ है अमेंडेड हुआ है उसके पहले लॉ क्या बोलता था, क्या एग्जैक्टली लॉ कहता था, और किस तरह की इसमें डिफिक्ट थी, किस तरह के मिसचीफ थी जो अर्लियर प्रोविजन में उसका वो कवर नहीं था, उसके लिए कोई रिमेडी प्रोवाइड नहीं था।
और पार्लियामेंट ने जो इफेक्ट में उस लॉ को लाया तो जो क्या क्योर द मिस्टिफ और डिफेक्ट क्या क्योर करना चाहती है। इसके बाद देखते हैं कि व्हाट इज द इंटेंडेड इफेक्ट ऑफ सच रिमेडी और उस रिमेडी का इंटेंडेड इफेक्ट क्या होगा। तो इसके बेसिस पे हम मिस्टिफ रूल को अप्लाई करते हैं। तो कोर्ट्स जो है उसके बाद है कि इसको कंस्ट्रक्शन करती है और जो मिस्टिफ है डिफेक्ट है तो उसको सप्रेस करते हुए रिमेडीज को एडवांस करती है। आइए इसको हम समझते हैं केस स्टडी के थ्रू। जैसा कि आप देख रहे हैं मिस्टिफ रूल्स में एक पहले सबसे पहले मैं एक सेक्शन बताना चाहूंगा, सेक्शन 45 सब सेक्शन 4। ये कैपिटल गेन्स का सेक्शन है जिसमें ये बताया गया है कि प्रॉफिट और गेन कोई भी अराइज होता है थ्रू द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट बाय वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नॉट बीइंग कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी और अदरवाइज। देखिए यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ अदरवाइज। सैलरी चार्जेबल टू टैक्स एज द इनकम ऑफ द फर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच साइड ट्रांसफर टेक्स प्लेस एंड फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 48 द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ सच ट्रांसफर शैल बी डीम्ड टू बी फुल वैल्यू ऑफ द कंसीडरेशन रिसीव्ड और एक्रूड एज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफर। तो यहां पर एक वर्ड देखिए कि आप यहां पर लिखा हुआ एक वर्ड है अदरवाइज। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस एएन नायक एसोसिएट्स में दिया। तो यहां पर जो कोर्ट ने अप्लाई किया मिस्टिफ रूल को ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट एंड ये पॉइंट आउट किया कि आइडिया जो है बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द सबसेक्शन 45 क्लॉज 4 इसका क्या था कि लूपहोल एंड ब्लॉक द लूपहोल को प्लग किया जाए और ब्लॉक द एस्केप रूट थ्रू द मीडियम ऑफ द फर्म। तो जो एस्केप रूट है उसको ब्लॉक किया जाए लूप होल को प्लग किया जाए ये इसका पर्पस था। तो हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि एक्सप्रेशन जो यहाँ पर अदरवाइज जो है अदरवाइज है डू नॉट हैज नॉट टू बी रीड जुडिशियल जेनेरिस विद द एक्सप्रेशन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो इसको आप जनरल मीनिंग के अनुसार नहीं देखिए। तो लॉ का पर्पस जो है अदरवाइज है जो रीड विद द वर्ड ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। आप यहां पर देखिए जो अदरवाइज वर्ड है उसको ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट के हिसाब से देखिए क्योंकि इसको क्वालिफाई करता है कि नहीं करता है। क्योंकि इफ अगर सो रीड इट बिकम्स क्लियर दैट इवन व्हेन ए फर्म इज इन एग्जिस्टेंस अगर मान लीजिए फर्म इन एग्जिस्टेंस है एंड देयर इज ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट दिस कम्स विद इन दैट एक्सप्रेशन अदरवाइज सिंस द ऑब्जेक्ट ऑफ द अमेंडमेंट वाज टू रिमूव द लूपहोल व्हिच एग्जिस्टेड। ये ऐसा नहीं कि आप डिसोल्यूशन करेंगे तभी आपको ये चार्जेबल होगा। अदरवाइज भी अगर कैपिटल एसेट आप डिस्पोज करते हो तो भी आप कैपिटल गेन के दायरे में आओगे। तो देयरफॉर द वर्ड अदरवाइज टेक इनटू द स्वीप नॉट ओनली केसेस ऑफ डिसोल्यूशन बट आल्सो केसेस ऑफ सबसिस्टिंग पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप ट्रांसफरिंग एसेट इन फेवर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तो अदरवाइज भी आप अगर एसेट को डिस्पोज करते हो डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो वो कैपिटल गेन उस पर लगेगा। तो यहां पर हम मिस्टिफ रूल को हमने देखा। अब आइए गोल्डन रूल। देखिए गोल्डन रूल जो है ये रूल जो है कंप्रोमाइज है बिटवीन लिटरल रूल एंड मिस्टिफ रूल का, दोनों के बीच में कंप्रोमाइज है। देखिए पहले हम लिटरल मीनिंग देखते हैं। अगर लिटरल मीनिंग से मीनिंग क्लियर नहीं होता है और ऑब्जर्व रिजल्ट देता है आपको तो हम फिर मिस्टिफ रूल देखते हैं। तो अगर लिटरल रूल जो कहता है कि इफ दे गिव द वर्ड्स ऑफ अ स्टैट्यूट देयर प्लेन एंड ऑर्डिनरी मीनिंग अगर लेकिन अगर वो इरेशनल रिजल्ट आपको देता है दैट इज अनलाइकली टू लिस्टर इंटेंशन then court can depart from this the meaning of the use in the law. So isme court jo hai look at the context in which the provision appears. This context mein provision diya gaya hai
उसी कंटेक्स्ट में आपको लॉ को देखना है. द सेम वर्ड्स में मीन वन थिंग इन वन कंटेक्स्ट, अनदर इन ए डिफरेंट कंटेक्स्ट. ऐसा हो सकता है कि एक कंटेक्स्ट में वो अलग मीनिंग देता हो और दूसरे कंटेक्स्ट में अगर हम इसको यूज करते हैं तो अलग मीनिंग देता है. While ascertaining the true intention of the legislature, the court must not only look at the words used by the legislature, but also have regard to the context and setting in which they occur. The meaning of the words in an enactment is not to be ascertained by reading them in isolation. तो अब आइए इसको हम एक इशू के माध्यम से हम इसको समझते हैं. ये बहुत ही मजेदार केस है गोल्डन रूल्स, जहां पर आपने एक कॉम्प्रोमाइज किया है रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन और मिसकीप रूल को. जैसा कि आप एक इशू देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले हम इशू को समझते हैं. लेट अस टेक द इशू ऑफ द whether the assessing officer can make an assessment on the basis of, देखिए ये highlighted word है, an issue which came to his notice during the course of assessment, where the issues which originally formed the basis of issue of notice under section 148 were dropped in its entirely. तो इस केस में Delhi High Court Ranbaxy Laboratory Limited versus CIT 2011 में अप्लाई किया था रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन, जबकि कर्नाटका हाई कोर्ट ने ठीक है एन गोविंदा राजू वर्सेस आईटीओ 2015 में अप्लाई किया था गोल्डन रूल्स इशू को डिसाइड करने में. तो लॉ क्या कहता है, सबसे पहले हम लॉ को जानते हैं कि लॉ क्या कहता है. तो सेक्शन 147 है जहां पर कहता है कि असेसिंग ऑफिसर मे असेस और री असेस सच इनकम and also any other income chargeable to tax which has escaped assessment and which comes to his notice in the course of proceeding under this section. यहाँ पर आप word एक देख रहे होंगे and the assessing officer may assess or assess such income and also any other income chargeable to. तो यहाँ पर जो Delhi High Court है उसने literal interpretation को apply किया और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस को ऑब्जर्व करते हुए कहा कि जो यहाँ पर एंड ऑल्सो जो है जो सेक्शन 147 में यूज हो रहा है उसका वाइड एम्पलीट्यूड है और जो करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ पार्लियामेंट वुड बी टू रिगार्ड द वर्ड्स एंड ऑल्सो एज बीइंग द कंजक्टिव एंड कम्युलेटिव विद एंड नॉट इन अल्टरनेटिव टू. तो कहने का मतलब कि फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस the assessing officer may assess and reassess such income इसके conjunctive और cumulative बताता है यहाँ पर and also. Delhi High Court ने rules of interpretation apply करते हुए कहा कि if the income of income the escapement which was the basis of the formation of the reason to believe is not assessed or reassessed, it would be not open to the assessing officer to independently assess only that income which comes to his notice subsequently in the course of the proceeding under the section as having escaped assessment. If he intend to do so, a fresh notice under section 148 would be necessary. कहने का मतलब कि अगर आपका पहला qualify नहीं करता है तो आप तो सच अदर इनकम को आप इस इनकम स्केसमेंट असेसमेंट में नहीं ला सकते. तो क्योंकि आप अगर उसको लाना है तो आपको एक सेपरेट फेस नोटिस आपको सेक्शन 148 में आपको इनिशिएट करना पड़ेगा. तो कहने का मतलब आपको इसमें जो एंड आल्सो है आपका कंजक्टिव एंड कम्युलेटिव आपको करता है फर्स्ट जो असेसिंग ऑफिसर में असेस और री असेस सच इनकम, ये जो सेंटेंस है इसको इसको और नोट एन अल्टरनेटिव. लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट ने इसमें अप्लाई किया गोल्डन रूल और उन्होंने कहा कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक सर्कुलर है गवर्नमेंट का 5/2010 इशूड किया सीबीडीटी ने आफ्टर अमेंडमेंट इन पैराग्राफ 47 विद कैप्शन clarificatory amendment in respect of reassessment proceeding under section 147. So para 47.3 hum read karte hain.
therefore to articulate the legislative intention jo explanation 3 mein clearly mention hai has been inserted in section 147 to provide that the assessing officer may examine assess or reassess any issue relevant to the income which comes to his notice subsequently in the course of the proceeding under this section notwithstanding that the reason for such issue has been included in the reasons recorded under section 148 subsection 2 so applying the golden rule the Karnataka high court held Karnataka high court ne yahan par held kiya kya held kiya उन्होंने कहा कि अगर एक बार सेटिस्फाइड हो वन सेटिस्फेक्शन ऑफ द रीजन फॉर द नोटिस इज फॉल सफिशिएंट अगर एक बार हम सेटिस्फाइड हो गए कि नो कि हमारे पास रीजन है टू बिलीव अगर आ गया और नोटिस सफिशिएंट है फॉन्ड सफिशिएंट दैट इज इफ नोटिस अंडर सेक्शन 148 सबसेक्शन 2 इज फॉन्ड टू बी वैलिड अगर वो वैलिड है विद इन टाइम पीरियड इशू हुआ हुआ है then assessing officer may do reassessment in respect of any other item of income which may have escaped assessment even though original reason for issue of the notice under section 148 does not survive even one section of 148 mein humne us mein reason to believe us section income ke bare mein humne nahi kiya hai lekin fir bhi agar other income hai agar wo hamara nazar mein aata hai तो उसको हम इनकम असेसमेंट एस्केपिंग असेसमेंट में हम ला सकते हैं उसके लिए हमें सेपरेट नोटिस देने की जरूरत नहीं है तो ये था गोल्डन रूल केस जिसका हमने केस स्टडी के माध्यम से समझा अब आइए हम लोग देखते हैं रूल्स ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव जर्नलिस्ट प्रिंसिपल ऑफ नोसाइटर एसोसिएट्स प्रिंसिपल ऑफ स्टेयर डिसेसिस रूल्स ऑफ हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन देखिए अगर कोई लॉ को हम देख रहे हैं तो एज ए होल हमें देखना होता है नहीं ना कि हम पार्ट में उसको देखें तो इंटायर लॉ मस्ट बी रीड एज ए होल फर्दर पार्ट ऑफ द सेक्शन शुड बी रीड हार्मोनियसली ऐसा नहीं कि उसको हम आइसोलेटेड करके हम लॉ का एक पार्ट को देखें कंस्ट्रक्शन शुड बी सच दैट इट प्रोवाइड मीनिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ ए स्टेट्यूट कंस्ट्रक्शन विच क्रिएट इनकंसिस्टेंसी और रिपग्नेंसी बिटवीन द various section of parts of a statute should be avoided agar inconsistent hai or repugnancy hai to us part ko hum avoid karte hain ab aaiye ek bada acha principle of beneficial construction jo court hamesha fiscal law mein isko use karti hai ki jahan par two views hai if the court find that two views are possible construction this is तो इस केस में द कंस्ट्रक्शन विच इज मोस्ट बेनिफिशियल टू द टैक्स पेयर शुड बी अडॉप्टेड तो दिस प्रिंसिपल इज आल्सो वाइडली यूज इन केस ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द फिस्कल लॉ इसको फिस्कल लॉ में वाइडली यूज किया जाता है तो जो टैक्स पेयर के लिए मोस्ट बेनिफिशियल है उसके अनुसार इसको कंस्ट्रक्शन किया जाता है आइए अब हम लोग दो तीन रूल्स है जो उसको ब्रीफ में हम कर लेते हैं रूल ऑफ एग्जीक्यूटिव जर्नलिस्ट जहां पर हम करते हैं पार्टिकुलर वर्ड्स जो पर्टेनिंग टू क्लास या कैटेगरी या जेनस जो है आर फॉलोड बाय द जनरल वर्ड्स इन दैट केस जनरल वर्ड्स आर कंस्टिट्यूट एज लिमिटेड टू थिंग्स ऑफ द सेम काइंड इसके बाद हम देते हैं नोसाइटर ए सोसियस जिसका मतलब है मीनिंग ऑफ द वर्ड जो है सर्टेन बाय reference to the words associated with it jo words associated hai usse hum reference dete hue usko ascertain karte hain to words derive color from the surrounding words matlab aas paas ke jo words hain usse wo meaning nikalta hai wo apna color nikalta hai ab hai principle of the stare decisis jo stipulate karta hai ki view which is operating for long and is accepted and acted upon should not be easily departed from jo lambe samay se jo practice humne adopt kar rakha hai usko hum aasani se easily depart nahi kare usko hum consider karte hue hum cases ko decide kare
तो ये था जो कोर्ट के जो प्रिंसिपल है, जो कोर्ट जनरली इस रूल्स को फॉलो करते हुए लॉ को इंटरप्रेट करती है, फिजिकल लॉ को इंटरप्रेट करती है, इवन फिजिकल लॉ को ही नहीं, हर लॉ को इंटरप्रेट इस तरह करती है वो। तो हमने एक जनरल ओवरव्यू लिया, ये लेवल टू वीडियो था जिसमें हमने थोड़ा डिटेल किया, क्योंकि ये प्रोफेशनल वीडियो जो है प्रोफेशनल्स के लिए है, और जो फाइनल लेवल के जो स्टूडेंट है हमारे सीए सीएस लॉ के स्टूडेंट जो या एलएलएम के मतलब जो कर रहे हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा ये रूल्स ऑफ द इंटरप्रिटेशन यूज बाय द कोर्ट। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको किसी तरह का कोई क्लेरिफिकेशन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, या फिर जो हमारा ईमेल आईडी है rsbkeducationalservices@gmail.com और नंबर दिया हुआ है आपको, अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कॉल कीजिए इस नंबर पे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।